हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी10 बोलोगना लीग का पीआईए वर्सेस बीएबी के बीच 1 घंटे 27 मिनट के बाद। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एवी रॉक्स ड्रीम 11 टीम गाइस। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। कोशिश करूंगा इसकी टीम ओपन दूँ, बट आज मैंने पिछला यूरोपियन टी10 भी ओनली प्राइम में दिया है, बट मैंने फुटबॉल ओपन दिया था क्योंकि फुटबॉल एक ही था आज के दिन। तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों को फुटबॉल देना बनता है क्योंकि टी10 तो बहुत आते रहेंगे, बट फुटबॉल का 2 दिन के गैप में मैच है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो पीआईए वर्सेस बीएपी, तो ये जो मैच होने वाला है इसके अंदर आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंगल साइड टीम मत बनाना, क्योंकि जो टीम दोनों है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो टीम है बीएपी उनके बैट्समैन सेक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। बात करूँगा विकेट कीपर की, तो आर रियाज को मैं यहाँ से लेने वाला हूँ। रहील रियाज यहाँ से आपको एक नॉर्मल मिडल ऑर्डर का बैट्समैन मिलता है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी हो सकता है या फिर ये टॉप ऑर्डर भी आ सकता है, बट ये शर्तीय बात है कि ये टॉप 6 में आएगा, बट विकेट गिरनी भी चाहिए बिकॉज इट्स यूरोपियन टी10। तो टी10 के अंदर अगर विकेट गिर गई तो लगातार सारी विकेट्स भी गिर सकती हैं, और अगर ना गिरी तो कोई बड़ी बात नहीं कि ओपनर ही लास्ट तक चल जाए। तो बात करूँगा बैट्समैन सेक्शन से, तो ए अख्तर अपनी टीम से ओपनर आएगा। अरसलान अख्तर की बैटिंग साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बता दूँ, और अरसलान अख्तर की गाइस बैटिंग जो है ना अपरम पार डेंजरस बैटिंग करता है। और ए हुसैन आएगा 2 डाउन, तो 2 डाउन लेना नहीं बनता, तो मैं 2 डाउन की जगह लेना चाहूँगा नीचे से एक प्लेयर जिसका नाम है ए हसन। इट्स ऑल्सो 2 डाउन, जो ऊपर का प्लेयर आपने देखा ये 3 डाउन था, सॉरी गाइज। तो हसन जो प्लेयर है ये आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग कराता भी दिखेगा अगले मैच के अंदर, क्योंकि ये जो प्लेयर है इट्स अ ऑलराउंडर, इट्स नॉट ए प्रॉपर बैट्समैन, तो ये एक तरह ऑलराउंडर है, ये मैंने पूरा सर्च किया है, तो तभी बता रहा हूँ आपको। डी गुलाम की बात करूँ, गुलाम ने एक सीरीज़ खेली थी, एक मैच हुआ था गाइज आई थिंक इटालियन टी20 लीग का, इटालियन टी20 लीग में इस बंदे ने 3 बार सेंचुरी मारी थी, 1 बार भी नहीं 3 बार। तो इसकी बैटिंग तो बहुत डेंजरस है, जो बंदा डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा खेल सकता है तो वो टी10 में तो अच्छा खेल ही सकता है। सी फर्नांडो की बात करूँ, तो चार्लिस फर्नांडो इज़ ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी बोल सकते हो, पहले तो कई बार मिडल ऑर्डर आता था, बट आज बैट्समैन की कमी होने के कारण सी फर्नांडो को ये टॉप ऑर्डर भेज सकते हैं। आगे से बात करूँगा इस ऑलराउंडर की, तो यहाँ से लूँगा के उल्ला खान को। करामत को मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि ये बॉलिंग अच्छी करता है, सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग के चक्कर में मैं इस प्लेयर को ले रहा हूँ, बाकी कुछ बैटिंग साइड खास नहीं है। तो आगे से बात करूँ ए सुरेश की गाइज, और ये जो प्लेयर देख रहे हैं ए सुरेश आज के मैच के अंदर आपको टॉप ऑर्डर की बैटिंग करता हुआ दिख सकता है, और साथ ही साथ 2 ओवर बॉलिंग करते हुए भी, क्योंकि प्लेयर के अंदर बहुत एबिलिटी है, बैटिंग प्लस बॉलिंग साइड की एबिलिटी तो बहुत अच्छी है इस प्लेयर के अंदर। डब्ल्यू राणा की बात करूँ, पहले वालिद राणा बॉलिंग सेक्शन में हुआ करता था, बट ड्यू टू मैंने आपको बोला है जो इनके बैट्समैन की थोड़ी शॉर्टेज है, तो मतलब शॉर्टेज नहीं कह सकते, अच्छे बैट्समैन थोड़े कम है इनकी टीम में, तो इसलिए इन्होंने इस प्लेयर को डाल दिया गाइज ऑलराउंडर सेक्शन में, जो कि आप आपकी आंखों के सामने देख सकते हैं। तो बात करूंगा वो बॉलर्स की, तो यहाँ से लूंगा एच अमजद को। तो हामद अमजद आई थिंक आज का मैच ना खेले, अगर खेलता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं खेलता तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और भी काफ़ी प्लेयर्स है गाइज। और आगे से बात करूँ मैं नेक्स्ट प्लेयर की, जिसका नाम है एम अबोबकर, तो मेरे को चाहता हूँ कि आज के मैच में एम अबोबकर आज का मैच खेले, क्योंकि इस प्लेयर के अंदर बहुत एबिलिटी है कि कुछ अच्छा करके दिखाने की, क्योंकि ये 2 ओवर बॉलिंग में अच्छी खासी विकेट्स कड़काता हुआ आपको अपनी आंखों से दिख सकता है। आगे से बात करूँ इमरान की, एस इमरान को मतलब ये सिंगल बॉलर नहीं है, ये एक ही स्टाइल के अंदर दो बॉलिंग कर सकता है, मतलब एक लेफ्ट पेस एक राइट पेस, मतलब बहुत बढ़िया ये है, मतलब दूसरे बैट्समैन को आराम से बुरी तरीके से चकमा देके आउट कर सकता है गाइज। आगे से बात करूँ गाइज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन ने कहा गुलाम एंड वाइस कैप्टन सुरेश। तो ये नहीं मेरी टीम गाइज, मिलता हूँ अगली वीडियो में।